आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 280। पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा कि आपके जल से परिपूर्ण लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय है कि मेरा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान इतना भारी यानी सत्य है कि जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है, इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान यानी लोक वेद को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, प्रश्न करो। एक बहुचर्चित विद्वान को जुलाहो यानी धानको के मोहल्ले यानी कॉलोनी में आया देखकर आसपास के भोले भाले अशिक्षित जुलाहे शास्त्रार्थ सुनने के लिए एकत्रित हो गए। पूज्य कबीरदेव ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बताएं। उत्तर महर्षि सर्वानंद जी का, श्री ब्रह्मा जी रजोगुण हैं तथा श्री विष्णु जी सद्गुण युक्त हैं तथा श्री शिव जी तमोगुण युक्त हैं। यह तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय हैं। इनके माता पिता कोई नहीं। आप अज्ञानी हो, आपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही उटपटांग प्रश्न किया है। सर्व उपस्थित श्रोताओं ने ताली बजाई तथा महर्षि सर्वानंद जी का समर्थन किया। पूज्य कबीर प्रभु यानी कबीरदेव जी ने कहा कि महर्षि जी, आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंद तथा श्री शिव पुराण का छठा तथा सातवां रुद्र संहिता अध्याय प्रभु को साक्षी रखकर गीता जी पर हाथ रखकर पढ़े तथा अनुवाद सुनाए। महर्षि सर्वानंद जी ने पवित्र गीता जी पर हाथ रखकर शपथ ली कि सही सही सुनाऊंगा। पवित्र पुराणों को प्रभु कबीर यानी कबीरदेव जी के कहने के पश्चात ध्यान पूर्वक पढ़ा। श्री शिव पुराण यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, में पृष्ठ नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग यानी पति पत्नी व्यवहार से सद्गुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ। यही प्रकृति यानी दुर्गा जो अष्टंगी कहलाती है, त्रिदेव जननी यानी तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता कहलाती है। पवित्र श्री मद्देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिमन लाल गोस्वामी, तीसरे स्कंध में पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति यानी दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शिव तो नाशवान हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो मैं शंकर भी आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, अर्थात आप मेरी भी माता हो। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 281। महर्षि सर्वानंद जी पहले सुने सुनाए अधूरे शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद के आधार पर तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अविनाशी व अजन्मा कहा करता था। पुराणों को पढ़ता भी था फिर भी अज्ञानी ही था, क्योंकि ब्रह्म यानी काल पवित्र गीता जी में कहता है कि मैं सर्व प्राणियों यानी जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन हैं की बुद्धि हूँ, जब चाहूँ ज्ञान प्रदान कर दूँ तथा जब चाहूँ अज्ञान भर दूँ। उस समय पूर्ण परमात्मा के कहने के बाद काल यानी ब्रह्म का दबाव हट गया तथा सर्वानंद जी को स्पष्ट ज्ञान हुआ। वास्तव में ऐसा ही लिखा है, परंतु मान हानि के भय से कहा मैंने सर्व पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर से कहा, तू झूठा है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर क्या था, सर्वानंद जी ने धारा प्रवाहिक संस्कृत बोलना प्रारंभ कर दिया। 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेद वाणी बोलता रहा, पुराण नहीं सुनाया। सर्व उपस्थित भोले भाले श्रोतागण जो उस संस्कृत को समझ भी नहीं रहे थे, प्रभावित होकर सर्वानंद महर्षि जी के समर्थन में वाह वाह महाज्ञानी कहने लगे। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर यानी कबीरदेव जी को पराजित कर दिया तथा महर्षि सर्वानंद जी को विजयी घोषित कर दिया। परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी
कबीरदेव जी ने कहा कि सर्वानंद जी, आपने पवित्र गीता जी की कसम खाई थी वह भी भूल गए। जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मानते हो तो मैं हारा तुम जीते। एक जमींदार का पुत्र सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उसने कुछ अंग्रेजी भाषा को जान लिया था। एक दिन दोनों पिता पुत्र खेतों में बैलगाड़ी लेकर जा रहे थे। सामने से एक अंग्रेज आ गया। उसने बैलगाड़ी वालों से अंग्रेजी भाषा में रास्ता जानना चाहा। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा यह अंग्रेज अपने आप को ज्यादा ही शिक्षित सिद्ध करना चाहता है। आप भी तो अंग्रेजी भाषा जानते हो, निकाल दे इसकी मरोड़, सुना दे अंग्रेजी बोलकर। किसान के लड़के ने अंग्रेजी भाषा में बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र पूरी सुना दी। अंग्रेज उस नादान बच्चे की नादानी पर की पूछ रहा हूँ रास्ता सुना रहा है बीमारी की छुट्टी की प्रार्थना पत्र। अपनी कार लेकर माथे में हाथ मारकर चल पड़ा। किसान ने अपने विजेता पुत्र की कमर थप थपाई तथा कहा, वाह पुत्र, मेरा तो जीवन सफल कर दिया, आज तूने अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में पराजित कर दिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड यानी मेरा खास दोस्त नामक प्रस्ताव भी याद है, वह सुना देता तो अंग्रेज कार छोड़कर भाग जाता। इसी प्रकार कबीरदेव जी पूछ कुछ रहे हैं और सर्वानंद जी उत्तर कुछ दे रहे हैं। यह शास्त्रार्थ ने घर घाल रखे हैं। परम पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा कि सर्वानंद जी आप जीते मैं हारा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, लिख कर दे दो, मैं कच्चा कार्य नहीं करता। परमात्मा कबीर यानी कबीरदेव जी ने कहा कि यह कृपा भी आप कर दो, लिख लो, जो लिखना है मैं अंगूठा लगा दूंगा। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 282। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ तथा कबीर साहेब पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर से अंगूठा लगवा लिया। अपनी माता जी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा कि माता जी, लो आपके गुरुदेव को पराजित करने का प्रमाण। भक्तमती शारदा जी ने कहा, पुत्र पढ़ कर सुनाओ। जब सर्वानंद जी ने पढ़ा उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ तथा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव विजयी हुआ। सर्वानंद जी की माता जी ने कहा, पुत्र आप तो कह रहे थे कि मैं विजयी हुआ हूँ, तुम तो हार कर आए हो। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निंद्रावश होकर मुझसे लिखने में गलती लगी है, फिर जाता हूँ तथा सही लिख कर लाऊंगा। माता जी ने शर्त रखी थी कि विजयी होने का कोई लिखित प्रमाण देगा तो मैं मानूंगी, मौखिक नहीं। महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए तथा कहा कि कबीर साहेब, मेरे लिखने में कुछ त्रुटि रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहेब कबीर जी ने कहा कि फिर लिख लो। सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवा कर माता जी के पास आया तो फिर विपरीत ही पाया। कहा, माता जी फिर जाता हूँ। तीसरी बार लिखकर लाया तथा मकान में प्रवेश करने से पहले पढ़ा, ठीक लिखा था। सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई तथा चलकर अपने मकान में प्रवेश करता हुआ कहने लगा कि माता जी सुनाओ। यह कहकर पढ़ने लगा तो उसकी आँखों के सामने अक्षर बदल गए। तीसरी बार फिर यही प्रमाण लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए तथा कबीर साहेब विजयी हुए। सर्वानंद बोल नहीं पाया। तब माता जी ने कहा, पुत्र बोलता क्यों नहीं, पढ़कर सुना क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। माता जी ने सर्वानंद जी से कहा कि पुत्र परमेश्वर आए हैं, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा कहा, माता जी यह तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर प्रभु कबीर के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर परमेश्वर से उपदेश दिलाया। तब उस महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने कहा, सर्वानंद आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना ब्रह्म यानी काल किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को। अब आप ब्राह्मण हो गए हो। ब्राह्मण सोई ब्रह्म पहचाने, विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान ले।
फिर अपना कल्याण करवाएं। विशेष आज से 550 वर्ष पूर्व यही पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी व पवित्र पुराणों में लिखा ज्ञान कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव जी ने अपनी साधारण वाणी में भी दिया था। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 283, जो उस समय से तथा आज तक के महर्षियों ने व्याकरण त्रुटि युक्त भाषा कहकर पढ़ना भी आवश्यक नहीं समझा तथा कहा कि कबीर तो अज्ञानी है, इसे अक्षर ज्ञान तो है ही नहीं। यह क्या जाने संस्कृत भाषा में लिखे शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को। हम विद्वान हैं, जो हम कहते हैं वह सब शास्त्रों में लिखा है तथा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता नहीं है। ये तो अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी तथा सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, तीनों गुण युक्त हैं, आदि आदि व्याख्या ठोक कर अभी तक कहते रहे। आज वे ही पवित्र शास्त्र अपने पास हैं, जिनमें तीनों प्रभुओं यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सद्गुण, श्री शिव जी तमगुण के माता पिता का स्पष्ट विवरण है। उस समय अपने पूर्वज अशिक्षित थे तथा शिक्षित वर्ग को शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, फिर भी कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव के द्वारा बताए सत्य ज्ञान को जानबूझकर झुठला दिया कि कबीर झूठ कह रहा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं, जबकि पवित्र पुराण साक्षी हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है तथा इन तीनों देवताओं की माता प्रकृति दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन काल रूपी ब्रह्म है। आज सर्व मानव समाज बहन भाई, बालक व जवान तथा बुजुर्ग, बेटे तथा बेटी शिक्षित हैं। आज कोई यह नहीं बहका सकता कि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा जैसा कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव साहेब जी की अमृत वाणी में लिखा है। अमृत वाणी पूज्य कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की। धर्मदास, यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गमय ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले किन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। तीन लोक अपने सुत दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन्हा आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 284। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहेब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहेब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है, किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों भगवानों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था, तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी
तंबुन शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा? आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 285, भटकों को सतमार्ग। बहन ईश्वंती की दर्द भरी आत्मकथा। मैं भक्त मती ईश्वंती देवी पत्नी श्री भक्त सुरेश दास अहलावत पुत्र श्री प्रताप सिंह अहलावत पानागंजा गांव दीघल जिला झज्जर में रहती हूँ। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, मैं और मेरा परिवार आपके चरणों की धूल हैं। आपने हमें वो सुख दिया जिसकी हम अपने इस जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती यहाँ लिख रही हूँ जिसकी आपने हम पर कृपा बख्शी है, ताकि हमारी इस दुख भरी कहानी को पढ़कर हमारे की तरह दुखी परिवार भी आपके आशीर्वाद से कल्याण करवा सकें। हमारा जीवन बिल्कुल अंधकारमय था, अगर आपके चरणों में नहीं आते तो आज हम जीवित नहीं होते। मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी। मेरा भाई भापड़ौदा निवासी ओम प्रकाश पुत्र श्री दयानंद राठी, जो हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था, भी इसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं भी इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। मैं इस हालत में पहुंच चुकी थी कि हाथ पैर बिल्कुल लकवेग्रस्त जैसे हो गए थे, आवाज निकलनी बंद हो गई थी। जगह जगह डॉक्टरों व सियानों को दिखाया, लेकिन सब जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरे पति इतनी शराब पीते थे कि जब घर आते तो बच्चे डर के मारे चारपाई के नीचे छुप जाते थे। घर के बर्तन तक शराब के लिए बेच डाले और सिर पर कर्जा चढ़ा लिया। पड़ोसी भी तंग थे। एक दिन तो नशे की हालत में ये मुझको उठाकर डालान पानने के कुएं में डालने चल पड़ा था। महापाप ओपरी हवा ने कहा कि किसकी क्या पोरस चलेगी, मैं इस घर को बर्बाद करके छोड़ूंगा। मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर ढेर सारा पैसा सियानों व डॉक्टरों के चक्कर में बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पति शराब पीता था तथा बच्चे छोटे छोटे थे। ससुराल में कोई सहारा नहीं था। मेरा भाई सुखबीर, जो DTC में ड्राइवर है, उसने परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा है। उसने कहा कि बहन को संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश दिलवा देते हैं, मरना तो इसको है ही, ये आखिरी उपाय कर लेते हैं। इस पर मेरे पिताजी श्री दयानंद राठी ने कहा कि क्या कोई नाम उपदेश से ठीक होता है। इस पर मेरे भाई ने इन सबको नाम उपदेश की महिमा के बारे में समझाया। इसके बाद सब ने कहा कि देख लेते हैं। यह कहकर मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लेकर गए। उस वक्त सतगुरुदेव गांव पंजाब खोड़ दिल्ली में सत्संग कर रहे थे। पूरा परिवार मुझे लेकर रात 10 बजे महाराज जी के चरणों में गए। ये बात 25 दिसंबर 1996 की है। मेरे भाई ने पूज्य रामपाल जी महाराज को मेरी दुखदायी कथा बताई। गुरु जी ने रात 10 बजे सत्संग में ही नाम उपदेश की कृपा बख्शी थी। उससे पहले मेरी जुबान भी बंद हो चुकी थी, जीभ नहीं उठती थी। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 286। जब 26 दिसंबर की सुबह मैं उठी तो अपने आप को बेहतर हालत में बोलते पाया तथा अपने भाई को बताया कि इतने वर्षों बाद मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर में हूँ तथा मेरे शरीर से जैसे कोई भार उतर गया है। मुझे बोलते देखकर मेरा भाई सुखबीर हैरान रह गया तथा कहा कि महाराज रामपाल जी तो साक्षात कबीर परमेश्वर आए हैं। मैं बीड़ी पीती थी, उसी दिन छोड़ दी। घर आए तो मेरे पति भक्त सुरेश ने कहा कि तुम क्या नाम लेकर आए हो, मैं देखता हूँ तुम्हारे नाम में इतनी क्या शक्ति है। अपनी माँ से बोला कि ये अच्छा नाम लेकर आए बच्चे सुबह गुड मॉर्निंग की जगह सत साहेब बोलने लगे हैं। भक्त सुरेश एक साल तक ऐसे ही शराब पीता रहा तथा घर में झगड़ा करता रहा। एक दिन यह बंदी छोड़ कबीर साहेब, गरीबदास जी साहेब व सतगुरु देव संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरों को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया। तब मैंने हाथ जोड़कर बंदी छोड़ से प्रार्थना की कि आप ही इनकी बुद्धि को कंट्रोल में कर सकते हैं। तब बंदी छोड़, आपने ही इनको ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरे पति सुरेश ने पूजा स्थल पर वापस फोटो रख दिए तथा उल्टे पांव जाकर दंडवत प्रणाम किया। तब से लेकर आज तक उन्होंने शराब बीड़ी आदि सब बुराइयों को त्याग दिया। इन सबका गवाह पाना गंजा व डीघल गांव है।
मुझे पुनर्जन्म मिला देखकर मेरे दुख में दुखी मेरे भाई राजेंद्र सिंह राठी DSP हरियाणा व भाई प्रेम प्रकाश राठी एडवोकेट दिल्ली सहित पूरे परिवार ने भी नाम दान ले लिया। नाम उपदेश लेने के बाद कबीर परमेश्वर ने ऐसे ऐसे सुख दिए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी भैंस ने सर्प खा लिया था। भैंस का बिल्कुल बुरा हाल था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है तथा 10 इंजेक्शन लगा दिए। अगले दिन भैंस की आंखों से नीला पानी बहना शुरू हो गया तथा भैंस अंधी हो गई। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर गए। तब रात में स्वप्न में सतगुरु देव रामपाल जी महाराज नजर आए। उन्होंने भैंस के शरीर पर हाथ फेरा। सुबह उठे तो हमने तथा पड़ोसियों ने अपनी आँखों से भैंस के मुँह में सांप को देखा तथा उसको निकाला। भैंस स्वस्थ हो गई तथा पूरा दूध देने लग गई। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सुख आपने हमें दिए हैं। कल तक हमारे पास 10 रुपए तक नहीं थे, लेकिन आज उन्हीं खेतों में धन उपजता है तथा किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी ही तुम्हारे लिए राम हैं। अज्ञानियों द्वारा बहकाया हुआ भोला भाला समाज क्या जाने आपकी महिमा को। संत रामपाल जी महाराज के विरोधी तो सिर्फ कीचड़ उछालना जानते हैं। जिसके साथ गुजरती है वही बता सकता है उसको आपसे क्या कुछ मिला है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने चरणों में ही रखना तथा आप हजारों वर्ष ऐसे ही दुखियों का सहारा बने रहें। सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हैं। आपका नाम लेने के बाद हमारे घर में इतना सुख मिला परमेश्वर जो कि हम वर्णन नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 287। फिर भी वर्णन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपसे सन 1996 में नाम उपदेश लिया। उसके करीब 1.5 साल के बाद एक घटना घटी जो इस प्रकार है। एक रात मुझे यह सब दिखाई पड़ा कि मैं गांव में शमशान पूछ रही हूं कि कहां है। मुझे बताया व दिखाया कि आपने कल यहां पर आना है। वह मुंडान पाने का शमशान था। जब सुबह हुई तो मुझे हैजा हो गया। मुझे इतना ज्यादा सिर में दर्द हो गया कि टक्कर मार कर मर जाऊं। मौत के सभी कारण पूर्ण हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि यह तो मर चुकी है। उसके बाद 4 दूत दिखाई दिए। फिर उन्होंने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और बोले कि हमें भगवान ने भेजा है, आपको लेकर जाएंगे, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा कि मेरे गुरुजी नहीं लेकर जाने देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके गुरुजी क्या करेंगे, आपका समय पूरा हो गया, हम ऐसा करेंगे कि आपके हाथ से ही आपकी मौत करवा देंगे। उसके बाद मेरे दोनों हाथों ने गले को बड़ी जोर से दबाया जिससे मेरे प्राण आँखों में आ गए। मैं किसी से बोल नहीं सकी। बंदी छोड़ कहते हैं कि आजम तेरे घटने घेरे तू राम कहन नहीं पावेगा। वह स्थिति मेरे साथ हो गई। उसके बाद कबीर साहेब कमल के फूल पर मेरे पास प्रकट हुए। उसके बाद मेरे अंदर से पूज्य सद्गुरु रामपाल जी महाराज की आवाज आई कि इस लड़की को आप कैसे लेकर जाओगे, इसे हम नहीं जाने देंगे, इसे तो हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे, इसका अगर पैर भी काट दोगे तो हम वह भी जोड़ देंगे। साथ में गुरुजी ने काफी बातें कही जो सब वर्णन नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद यम के दूत भाग गए। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटी डर मत, तेरी मौत को हमने टाल दिया है, अब हम चाहेंगे तब लेकर जाएंगे। हमारी एक भैंस जिसका ब्याने का समय नजदीक था, वह एक दिन बिल्कुल बुध की तरह हो गई। डॉक्टर को बुलाकर लाए तो डॉक्टर ने टाइम से पहले ही हाथों से बच्चा निकाला। उसके बाद भैंस ने जेर नहीं डाली। किसी के कहने पर हमने जो थोड़ी सी जेर बाहर होती है उस पर ईंट बांध दी तो वह जेर टूट गई। जेरे के टूट जाने पर भैंस की हालत बहुत बुरी हो गई। सभी कहने लगे यह भैंस अब मरने से बच नहीं सकती। हम घबरा कर रात को ही 5 डॉक्टरों के पास गए, मगर एक भी डॉक्टर नहीं आया। कहते कि यह केस निपटाना हमारे वश की बात नहीं है, अब परमात्मा ही बचा सकता है। उसके बाद बहुत दुखी होकर मैंने आशा छोड़ दी कि आज भैंस को कोई नहीं बचा सकता। फिर मैंने कहा कि भक्त जी आशा मत तोड़ो, हमारे बंदी छोड़ सब ठीक करेंगे। उसके बाद बंदी छोड़ के सामने दंडवत प्रणाम किया व प्रार्थना की। उसके बाद सुबह एक डॉक्टर के पास गए तो उसने आकर देखा तो कहा यह बचेगी नहीं।
ऐसे ही हमारी भैंस के साथ हुआ था, तो बड़े डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की मगर नहीं बच पाई। उसके बाद कहने लगे कि परमेश्वर की दया से बच भी गई तो दूध नहीं देगी। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 288। उसके 7 दिन बाद गुरु जी दिखाई दिए कि भैंस की आंतड़ियों में से जेर निकाल रहे हैं। सुबह भैंस ने जेर डाली तथा वह स्वस्थ हो गई और 15 किलो दूध पर आ गई। यह हमारे बंदी छोड़ की कृपा है, जबकि 4-5 पड़ोसियों की भैंस इसी बीमारी से मर चुकी थी। मेरा छोटा लड़का जिसकी उम्र 14 साल है, नाम नवनीत है, इसे बचपन यानी 6 महीने का था तब से ही निमोनिया हो गया था और 5 साल तक इसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। मेरे हर संभव प्रयास करने पर तथा डॉक्टर के मना करने पर भी मैंने हार नहीं मानी। एक दिन मैंने उसे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दान दिलवाया। उसी दिन से मानो मेरे बच्चे को कोई बीमारी थी ही नहीं। अब वह बच्चा आज अपनी उम्र के सभी बच्चों से तंदुरुस्त है। यह सभी चमत्कार हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से हुए हैं। एक दिन पूर्णिमा के सत्संग के समय वर्ष 2004 में बरसात के न होने के कारण हमारी धान यानी चावल की फसल सूख रही थी और नहर भी आकर चली गई थी। 1 महीना पश्चात दोबारा नहर आनी थी। वहाँ पर ट्यूबवेल से पानी देने का साधन नहीं था, हम सिर्फ नहर पर ही आश्रित थे। परंतु पूर्णिमा के दिन हम आश्रम से सत्संग समापन के बाद जब खेत को देखने गए तो हमारे 2.5 एकड़ जमीन धान वाली घुटनों घुटनों पानी से भरी हुई थी। यह कभी स्वपन में भी न होने वाला कार्य हमारे सतगुरुदेव की कृपा से हो गया और सारे खेत के पड़ोसियों ने अफसोस किया कि यह नहर तो तुम्हारे सतगुरुदेव ने तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुलवाई है। सभी लोगों की फसल में ज्यादा से ज्यादा 10 मन धान ही हुई, जबकि सतगुरु देव जी की कृपा से हमारी 40 मन प्रति एकड़ हुई। अनेकों अनेकों सुख हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने हमें दिए हैं। मेरे दोनों पुत्र भक्त अमित तथा नवनीत मई 2010 को दिल्ली पुलिस में नौकरी लग गए। मेरी तथा मेरे परिवार की तरफ से सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि आप अति शीघ्र सतलोक आश्रम करौंथा में आकर संत रामपाल जी महाराज से मुफ्त नाम प्राप्त करें। मनुष्य जीवन व्यर्थ न करें। कबीर परमेश्वर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करोगे कब। सत साहेब जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। उजड़ा परिवार बसा। मैं भक्त रमेश पुत्र श्री उमेद सिंह, गांव पेटवाड़, तहसील हांसी, जिला हिसार का रहने वाला हूं। अब एम्प्लाइज कॉलोनी जेल के सामने जींद में सपरिवार रहता हूं। नाम लेने से पहले हम भूतों की पूजा करते थे। हमारे गांव में बाबा सरिया की मान्यता थी, जिस पर हम प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को ज्योति लगाने जाते थे। हम शुक्रवार, जन्माष्टमी, शिवरात्रि का व्रत भी करते थे। पितरों का पिंड दान और श्राद्ध भी निकालते थे। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 289। फिर भी हमारा घर बिल्कुल उजड़ चुका था। जब मैं 12 वर्ष का था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। घर में 3 सदस्य थे, तीनों की आपस में लड़ाई रहती थी, तीनों को भूत प्रेत बहुत दुखी किया करते थे और तीनों बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। पहले डॉक्टरों को दिखाया पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर सेवड़ों के पास गए, कोई कहता तुम 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, कोई कहता तुम 10,000 रुपए दे दो। हम बिल्कुल उजड़ चुके थे, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। मेरे रिश्तेदार भक्त रघुबीर सिंह गांव कौंत कला वाले के बार बार कहने से मेरी माताजी ने सन 1996 में संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। मेरी पत्नी को 5 वर्ष उपरांत भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। मेरी माताजी के कहने से मेरी पत्नी ने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया। नाम दान लेते ही वर्ष के अंदर मेरी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। मेरा भगवान से विश्वास उठ चुका था, इस कारण मैंने नाम नहीं लिया तथा अपनी माता व पत्नी को भी संत जी के पास जाने से मना करता था। मेरा लड़का जो 15 दिन का था बहुत ज्यादा बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि यह लड़का सुबह तक मर जाएगा, इसे ले जाओ।
शाम को एक भक्त ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि आश्रम जींद में आए हैं, वे पूर्ण संत हैं और वे ही इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं। हम डॉक्टरों और सेवड़ों के पास जा जाकर थक चुके थे। मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था। मैंने उस भक्त को मना कर दिया, किंतु उसने दोबारा फिर प्रार्थना की कि वे स्वयं बंदी छोड़ भगवान ही धरती पर आए हुए हैं, यदि वे दया कर दें तो यह लड़का ठीक हो सकता है। उस भक्त के इतने विश्वास के साथ कहने पर मैंने अपनी माताजी को अनुमति दे दी। मेरी माँ ने लड़के को ले जाकर सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में रख दिया और रोते हुए प्रार्थना की कि महाराज जी, यह बच्चा मर चुका है, अब आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। तब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि कबीर परमेश्वर की रजा से यह ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब बच्चे को मरना था वह ठीक हो गया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हमारा उजड़ा हुआ घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से दोबारा बस गया। इतना चमत्कार देखकर भी पाप कर्मों की वजह से मैंने नाम नहीं लिया और पूर्व वाली पूजा तथा भूतों की पूजा ही करता रहा। हमारे घर पर बंदी छोड़ गरीब दास जी महाराज की वाणी का पाठ संत रामपाल जी महाराज करते थे और मैं बाहर जाकर शराब पीता था। फिर एक वर्ष बाद एक दिन हमारे घर पाठ हो रहा था, तब शाम को बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सत्संग किया। तब मैंने सत्संग सुना और नाम भी ले लिया। फिर हमारे घर में दुख नाम की चीज नहीं रही। मेरी माता जी ने किसी के बहकावे में आकर नाम खंडित कर दिया। कुछ समय पश्चात सन 2000 में मेरी माँ को अचानक पैर में जलन होने लगी। डॉक्टरों को दिखाया। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 290। उन्होंने बताया कि इसे ब्लड कैंसर है, यह 10-15 दिन में मर जाएगी। अगर PGI चंडीगढ़ में ले जाओ तो वहाँ 1.5 लाख रुपए लगकर यह ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जीवित रह सकती है, परंतु दर्द कम नहीं होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया कि आपकी माता जी ने नाम खंडित कर दिया है। जैसे बिजली का बिल न भरने से कनेक्शन कट जाने से विद्युत से मिलने वाला लाभ बंद हो जाता है, उसे फिर सुचारू करवाना पड़ता है। मेरी माता जी ने अपनी गलती की क्षमा याचना की। महाराज जी ने दोबारा नाम दिया तथा सिर पर हाथ रखा। सिर पर हाथ रखते ही पैर की जलन व दर्द बंद हो गया। फिर लगभग 2 वर्ष के बाद जाड़ पड़वाने की वजह से जाड़ में से खून निकलने लगा। डॉक्टर ने दवाई दी और टांके भी लगाए, परंतु खून निकलना बंद नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने इसकी बीमारी चेक की और बताया कि इसे ब्लड कैंसर है और अब वह फूट चुका है, अब यह ठीक नहीं हो सकती, इसे घर ले जाओ, यह खून निकलने से 2 दिन में मर जाएगी। फिर अगले दिन इसके पेशाब और लैटरिंग में से भी खून आना शुरू हो गया। तब मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को फोन से बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि ये 2 दिन में मर जाएगी। तब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बंदी छोड़ जो करेंगे ठीक करेंगे। फिर अगली रात को 2 बजे यमदूत उसे लेने के लिए आए। मेरी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी यानी वे 10 वर्ष पहले गुजर चुके थे, मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। इतना कहते कहते वह यमदूत मेरी माँ के अंदर प्रवेश कर गया और कहने लगा कि मैं इसे लेकर जाऊंगा, इसका समय पूरा हो चुका है, मेरे को चाय पिलाओ। तब हमने उसके लिए चाय बनाने के लिए रखी ही थी। इतने में वह यमदूत कहने लगा कि पता नहीं तुम्हारे घर में कितनी बड़ी शक्ति है, वह मुझे मार रही है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से चाय पिलाओ, मैं जा रहा हूँ, और गर्म चाय ही पी गया। जाते हुए कहने लगा कि तुम्हारे घर में पूर्ण परमात्मा खड़े हैं, मैं इसे नहीं ले जा सकता, यह कहते हुए वह चला गया। 1 मिनट के बाद ही खून बिल्कुल बंद हो गया, जीभ और दांत जो काले हो चुके थे बिल्कुल साफ हो गए और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वह पूरी तरह से पहले से भी स्वस्थ हो गई। परमात्मा कबीर साहेब जी ने मेरी माता जी की 5 वर्ष आयु बढ़ा दी। 24 जुलाई 2005 को सत्य भक्ति करके सतलोक प्रस्थान किया। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब भक्त रमेश दास, मोबाइल नंबर 7404438000। गुर्दे ठीक करना व शैतान को इंसान बनाना। मैं भक्त जगदीश पुत्र श्री प्रभुराम, गांव पंजाब खोड़, दिल्ली 81।
DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में मैकेनिक हूँ। मुझे शराब ने राक्षस वृत्ति का इंसान बना दिया था। शराब पीना, मुर्गे खाना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 291। मैं नौकरी से शाम को लगभग 7 या 8 बजे आता था। कई बार घर आने में शराब ज्यादा पीने पर 9 या 10 भी बज जाते थे। शराब में पागल हुए एक बार इधर एक बार उधर लड़खड़ाते हुए पैरों से घर में घुसता था। आते ही पत्नी व बच्चों को पीटना शुरू कर देना। हर रोज घर में कहर होता था। जिन बच्चों को प्यार के साथ अपनी छाती से लगाना चाहिए था, वे मासूम बच्चे मुझको देखकर चारपाई के नीचे घुस जाते थे। बच्चे अपने पिताजी के घर आने की राह देखते हैं कि पापा जी आएंगे, हमारे लिए खाने की चीजें लाएंगे। परंतु मैं खाने की चीजों की बजाय शराब में पागल हुए लाल आँखों से उनको मारने लग जाता था। दूसरी तरफ मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा देवी भी अपने दुखी जीवन के साथ खतरनाक बीमारी से जूझती हुई श्वास पूरे कर रही थी। उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि दवाई खाते रहो, लेकिन 6 महीने से ज्यादा यह जीवित नहीं रह सकती। ऑल इंडिया मेडिकल और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से भी यह रिपोर्ट मिली कि गुर्दे खराब हो चुके हैं और यह 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सकती और साथ में दवाई भी अंत समय तक खाते रहना होगा। उन मासूम बच्चों का क्या हाल होगा जिनका पिता शराब पीता हो, माँ मृत्यु शया पर हो, कोई वजन का कार्य नहीं कर सकती। तो उन बच्चों को जब यह पता चला कि तुम्हारी मम्मी यानी माताजी भी 6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी, तो उन बच्चों की आंखों से आंसू बहते रहते थे। एक तो पिताजी शराबी और दूसरी तरफ हमारी माताजी जानलेवा बीमारी से पीड़ित, हमारा क्या होगा। 3 लड़के तथा 1 लड़की अपनी माताजी के पास गिरकर रोने लगे तथा कहा कि हे भगवान, हम सबको भी हमारी माताजी के साथ ही अपने पास बुला लेना, यहाँ किसके सहारे जिएंगे। परमात्मा ने उन बच्चों की भी पुकार सुनी और हमारे भी शुभ कर्म उदय हुए कि हमारे पड़ोस में ही भक्तमती निहाली देवी ने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की आज्ञानुसार 30/31/1 जनवरी 1997 को सतगुरु गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी 3 दिन का अखंड पाठ अपने घर करवाया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने 31 दिसंबर 1996 को रात्रि में 9 से 11 बजे तक सत्संग किया। मेरी धर्मपत्नी सुमित्रा देवी भी पड़ोस में सत्संग सुनने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मैं यानी जगदीश भी अपनी नौकरी से घर आ गया। घर आने पर बच्चों से पता चला कि हमारी माताजी पड़ोस में माई निहाली देवी के घर सत्संग सुनने के लिए गई है। यह सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ और मैंने कहा कि कहाँ पाखंडियों के पास चली गई, मैं अभी उसको पीटते हुए घर लाता हूँ। यह विचार कर मैं भक्तमती निहाली देवी के घर चला गया। मैंने शराब पी रखी थी। जब मैं निहाली माई के घर पहुंचा, तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे। बहुत संख्या में भक्तजन सत्संग सुन रहे थे। उन सभी को देखकर मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप सबसे पीछे बैठ गया। मैंने सत्संग सुना। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 292। गरीब सो नारी जारी करें, सुरा 500 बार एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। कबीर, मानुष जन्म पाए कर नहीं भजय हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया किस काम। महाराज जी ने सत्संग में बताया कि जिन बच्चों को पिताजी ने सीने से लगाना चाहिए, उस शराबी व्यक्ति को देखकर बच्चे चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। शराबी व्यक्ति आप भी दुखी, धनहानि, समाज में इज्जत समाप्त तथा परिवार तथा पड़ोस व रिश्तेदारों तक को परेशान करके बद दुआएं प्राप्त करता है। जैसे शराबी की पत्नी व बच्चे तो कहर का शिकार होते ही हैं, परंतु पत्नी के माता पिता, भाई बहन आदि भी दिन रात चिंतित रहते हैं। सर्व पाप का भार उस नादान शराबी के शीश पर आता है। मनुष्य जन्म प्रभु ने भक्ति करके आत्म कल्याण करने को दिया है, इसको शराब आदि में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं करता, आवारा गर्दी में घूमता रहता है, वह शिक्षा से वंचित रह जाता है, फिर सारी आयु मजदूरी करके जीवन निर्वाह करता है।
फिर उसे याद आता है कि यदि मैं आवारागर्दी न करता तो आज अन्य सहपाठियों की तरह बड़ा अधिकारी होता, परंतु अब क्या बने यह तो उस समय सोचना था। कबीर साहेब कहते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, गुरु से किया नहेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार यदि मनुष्य जन्म में जो प्राणी प्रभु भक्ति नहीं करता वह पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है वह शराब के नशे में खाने की भरी थाली को लात मारता है, भक्ति न करने से भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में कष्ट उठाता है। कभी वह कुत्ते की योनि धारण करता है, कुत्ता सारी रात सर्दी में भी गली में रहता है, ऊपर से वर्षा तथा सर्दियों की रात्रि में महाकष्ट उठाता है, सुबह भूख सताती है, किसी घर की रसोई में घुसने की चेष्टा करता है, घर वाले डंडा या पत्थर मारते हैं, कुत्ता बहुत देर तक चिल्लाता रहता है, फिर अन्य घर में घुसता है, वहाँ न जाने रोटी मिलेगी या सोटी यानी डंडा। यदि वहाँ भी डंडा नसीब में हुआ तो वह शराबी जो अब कुत्ता बना है गाँव के बाहर जाता है, भूख से व्याकुल हुआ मनुष्यों का मल खाता है। यदि वह नादान प्राणी जब मनुष्य शरीर में था सत्संग में आता, अच्छे विचार सुनता, बुराई त्याग कर अपना कल्याण करवाता तथा बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा प्रभु की दीक्षा प्रदान करवाता, सदा सुखी हो जाता। शराब का नशा कुछ समय रहता है, परमात्मा के नाम भजन से हुए सुख का आनंद सदा साथ रहता है। उपरोक्त सत्संग आदरणीय संत रामपाल जी महाराज का सुनकर मेरी शराब छू मंत्र हो गई, आँखों से आंसू बह चले, घर चला गया, नींद नहीं आई। 1 जनवरी 1997 को दोपहर 1:30 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास गया, उनसे आत्म कल्याण के लिए उपदेश प्राप्त किया। उसके बाद आज यानी 2005 तक शराब तंबाकू तथा मांस छुआ भी नहीं। मेरी पत्नी ने भी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया, उस दिन के बाद वह बिल्कुल स्वस्थ है। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 293। डॉक्टरों के इलाज तथा बीमारी की एक्सरे आदि की रिपोर्ट आज भी हमारे घर रखी है, जन जन को दिखाते हैं। मेरी सर्व से प्रार्थना है कि आप भी प्रभु के चरणों में आओ, संत रूप में आए परमेश्वर के संदेश वाहक संत रामपाल को पहचानो, मुफ्त नाम उपदेश प्राप्त करके कृपया अपना कल्याण करवाएं। सत साहेब भक्त जगदीश, मोबाइल नंबर 9268475242। भूतों व रोगों के सताए परिवार को आबाद करना। भक्त मती अपलेश देवी पत्नी श्री रामेहर पुत्र श्री मांगेराम, गांव मिरच, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। मैं अपलेश देवी अपने दुखी जीवन की एक झलक आपको बता रही हूँ। मैं और मेरे बच्चे राहुल और ज्योति हैं, जो बीते समय के बुरे हालातों को याद करके सिहर जाते हैं, जिनका वर्णन करते समय कलेजा मुंह को आता है। 6 दिसंबर 1995 की रात्रि में बदमाशों ने मेरे पति को ड्यूटी के दौरान जान से मार दिया था, लेकिन इस पूर्ण परमात्मा यानी कबीर साहिब ने हमारा ध्यान रखा और मेरे पति को जीवन दान दिया, जो आज हमें परिवार सहित बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की दया से पूर्ण परमात्मा के चरणों में स्थान मिल गया है। हमारे परिवार में मेरे पति को साफ कपड़े पहनाते, जो कुछ देर बाद अंडरवियर के ऊपर के हिस्से पर जहां पर रबड़ या नाड़ा होता है वहां चारों ओर खून से कपड़े रंगीन हो जाते थे, तथा बच्चों को भी बलगम के साथ खून आता था और मैं भी 1 वर्ष से हार्ट यानी दिल की बीमारी से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके लिए वर्षों से दवाइयां खा रही थी। मेरे पतिदेव दिल्ली पुलिस में हैं। मेरे सारे शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे। घर में परेशानियों के कारण मेरे पति रामेहर का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया था। हमने इन परेशानियों के लिए सन 1995 से जुलाई 2000 तक 1 दर्जन से भी ज्यादा लंगड़े, लोभी व लालची गुरुओं के दरवाजे खटखटाए तथा भारत वर्ष में तीर्थ स्थानों जैसे जमुना, गंगा, हरिद्वार, ज्वालाजी, चामुंडा, चिंतपूर्णी, नगरकोट, बालाजी, मेहंदीपुर व गुड़गावा वाली माई तथा गोरख टीला राजस्थान वाले प्रत्येक स्थानों पर बच्चों सहित काफी बार चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। इस प्रकार हमारे परिवार की हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि हम होली व दिवाली भी किसी मस्जिद में बैठकर बिताने लग गए थे। हम बड़े खुशनसीब हैं जो हमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण मिल गई।
अब कहां गए वे काल के दूत तथा वे हमारी बीमारियां जिनका इलाज ऑल इंडिया हॉस्पिटल में चल रहा था, जो सतगुरुदेव के चरणों की धूल के आगे टिक नहीं पाई। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 294। 25 फरवरी 2001 को एक काल की पूजा करने वाले सियाने ने फोन करके पूछा कि अपलेश तुम्हारा नाम है? मैंने कहा कि हाँ, आप अपना नाम बताओ। तब वह सियाना कहता है कि यह बलवान कौन है, आपका क्या लगता है? मैंने कहा कि तुम कौन हो, आपका क्या नाम है तथा यह सब क्यों पूछना चाहते हो? तब वह सियाना कहता है कि बेटी तुम मेरा नाम मत पूछो, मैं बताना नहीं चाहता तथा मैं हंसी से बोल रहा हूँ। यह बलवान तथा इसके साथ एक आदमी आए और दोनों मुझे 3700 रुपए तुम पर घाल घलवाने के लिए दे गए थे। मैंने तुम्हारा फोन नंबर भी बलवान से लिया था कि मैं पूछूंगा कि उनकी दुर्गति हुई या नहीं। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं था, बलवान ने ही दिया था, जो मैंने यह बुरा कार्य रात्रि में किया। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा तो मुझे सफेद कपड़ों में जिस गुरु की तुम पूजा करते हो वे दिखाई दिए, जिन्होंने मुझे बतला दिया कि इसका परिणाम तुम खुद भोगोगे। यह परिवार सर्वशक्तिमान सर्व कष्ट हरण परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण में है। आपकी तो औकात ही क्या है, यहाँ का धर्मराज भी अब इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरीब जम जौरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख अदली अदल कबीर हैं, कुल के सद्गुरु ए परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से जम यानी काल तथा काल के दूत तथा मौत भी डरती है। वे पूर्ण प्रभु पाप कर्म के दंड के लेख को भी समाप्त कर देते हैं। इसके बाद उस सियाने ने कहा कि बेटी तुम्हें यह बतला दूं कि तुम जिस देव पुरुषोत्तम की पूजा करते हो वे बहुत प्रबल शक्ति हैं। मैं 25 वर्ष से यह घाल घालने का कार्य कर रहा हूं, न जाने कितने परिवार उजाड़ चुका हूं, परंतु आज पहली बार हार खाई है। बेटी इस शक्ति को मत छोड़ देना, नहीं तो मार खा जाओगे। आपके विनाश के लिए बलवान आदि घूम रहे हैं। मैंने कहा कि हम पूर्ण परमात्मा की पूजा करते हैं, बलवान मेरे पति का बड़ा भाई है, हमारा जानी दुश्मन बना है। हम आज इतने खुशनसीब हैं कि हमारे दिल में किसी वस्तु या कार्य की आवश्यकता होती है उसको यह सतगुरुदेव सत कबीर साहिब पूर्ण कर देते हैं। आज गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम किसके लागे पाए, हम बलिहारी सतगुरुदेव रामपाल जी के चरणों में जिन्हें परमेश्वर दिया मिलाए। हे भाइयों और बहनों, हम सारा परिवार मिलकर आपको यह संदेश देते हैं कि अगर आपको सतलोक का मार्ग पूर्ण मोक्ष व सर्व सुख प्राप्त करना हो और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना हो तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से सतनाम प्राप्त कर लेना और अपना अनमोल मनुष्य जन्म सफल कर लेना। सत साहिब भक्त मती अपलेश देवी भक्त सतीश की आत्मकथा। मैं भक्त सतीश दास 193 सेक्टर 7 RK पुरम नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। उपरोक्त पंक्तियाँ हमारे जीवन में चरित्रार्थ होती हैं। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 295। क्योंकि सतगुरु बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज का दिसंबर सन 1997 को प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग हुआ था तो हम अपने एक मित्र के कहने पर सत्संग सुनने गए, परंतु पारंपरिक पूजाएं छोड़ने की बातें सुनने के बाद सत्संग में दिल नहीं लगा। सतगुरु जी शास्त्रों में पढ़ पढ़ कर हमें समझा रहे थे तो हमारे मन में आया कि किताबों को तो हम घर में ही न पढ़ लेंगे। इस प्रकार ज्योति निरंजन यानी काल ने हमारी बुद्धि स्थिर कर दी और हमारा भक्ति वाला चैनल बंद कर दिया। सतगुरु हमें समझाते हैं कि गुरु बिन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना, गुरु बिन धर्म ना छुटे भाई, कोटि उपाय करो चतुराई। इस प्रकार हमारी बुद्धि स्थिर होने की वजह से हम इधर उधर की बातें करते हुए घर वापस आ गए। सन 1999 में मेरी पत्नी श्रीमती मंजू को ब्रेन ट्यूमर यानी दिमागी कैंसर हो गया, जिसका हमें सफदरजंग हॉस्पिटल में निरीक्षण व इलाज के समय पता चला। इसके बाद मैंने उसको पंत हॉस्पिटल तथा एम्स नई दिल्ली और इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में भी डॉक्टर को दिखाया। सभी डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान इसके एक हाथ में पैरालिसिस हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ तक कहा कि इसकी दोनों आँखें अभी तक ठीक कैसे हैं
और उसी समय आई स्पेशलिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए कहा। मैंने तभी चेक करवाई। तब आई स्पेशलिस्ट और न्यूरोसर्जन ने सलाह दी कि हर 15 दिन बाद इसकी आँखों की जांच करवाते रहना। कभी भी खत्म हो सकती है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऐसी जगह पर है। मेरी पत्नी व मैं दोनों ही पैरों से विकलांग हैं और हाथ व आँखें खत्म होने की बात सुनकर श्वास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। लेकिन कोई चारा न पाकर अंत में पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली में ऑपरेशन करवाने की सोची और डॉक्टर के कहने पर इनमास हॉस्पिटल तिमारपुर दिल्ली से MRI करवा ली और अन्य सारे टेस्ट भी करवा लिए। केवल ऑपरेशन की तारीख लेनी थी। हमें पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पहले सुने सत्संग की ये पंक्तियाँ याद आई। जिन मिलते सुख उपजे, मिटे कोटि उपाध, भुवन चतुर्दश ढूंढियो, परम स्नेही साध। और हमारा भक्ति चैनल परमेश्वर ने ऑन कर दिया और मन में भावना उत्पन्न हुई कि ऑपरेशन से पहले नाम लेकर देख लेते हैं। फिर अपने दोस्त के साथ प्रीतमपुरा दिल्ली में जाकर 4 फरवरी 2001 को पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। पूर्व वाली सभी पूजाएं छोड़ दी। सतगुरु जी ने अखंड पाठ करवाने की सलाह देते हुए कहा कि परमात्मा ने चाहा तो ऑपरेशन टल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने सतगुरु की आज्ञा अनुसार घर पर 3 दिन का अखंड पाठ करवाया और इसके बाद डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख लेने पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली गए। आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 296। जो डॉक्टर पहले ऑपरेशन की सलाह दे रहे थे वही डॉक्टर दूसरे MRI को देखकर कहने लगा कि अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तब सतगुरु की वाणी याद आई कि सतगुरु दाता हैं कली माहिं प्राण उदाहरण उतरे साई, सतगुरु दाता दीन दयालम जम किंकर के तोड़े जालम। और हम सतगुरु को याद करके फूट फूट कर रोने लगे कि हे परमेश्वर, हम आपकी महिमा को किन शब्दों में व्याख्यान करें। इस प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब के अवतार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा ऑपरेशन टल गया और उसके बाद हमने 1 पैसे की गोली दवाई भी नहीं खाई है और सुखमय जीवन जी रहे हैं। 20 नवंबर 2004 को रात को काल के झपट्टे के कारण मेरी पत्नी मृतक समान हो गई थी। परमेश्वर का अमृत जल पिलाने के बाद होश आया। फिर हम उसे सतगुरु जी के पास लेकर आए तो सतगुरु जी ने बताया कि आज इनकी मृत्यु होनी थी। कबीर परमेश्वर ने इनकी उम्र बढ़ा दी है और अब उसको भक्ति करनी है। फिर 22 नवंबर 2004 को मेरी पत्नी को सोनीपत सत्संग में ही लकवे यानी पैरालिसिस का अटैक पड़ा और उसकी वजह से उसके हाथ की ताकत समाप्त होने लगी और उसी समय सतगुरु जी का हाथ अपने हाथ में दिखाई देने लगा और लगभग 5 मिनट तक दिखाई देता रहा। जब लकवे यानी पैरालिसिस का असर समाप्त हो गया तब सतगुरु जी का हाथ अदृश्य हो गया और आज तक वह बिल्कुल ठीक है। सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के ज्यों के त्यों अवतार आए हैं ने हमारे को सिद्ध कर दिया कि गरीब जम जौरा जासे डरें, मिटे कर्म के अंक, कागज कीरे दरगह दई, 14 कोटि न चंप, भक्त सतीश मेहरा RAF 907/17 राजनगर 2 पालम कॉलोनी नई दिल्ली। मोबाइल नंबर 09718184704। सतभक्ति करने से कैंसर व किडनी रोग ठीक हुआ। मैं भक्त मती जय श्रीदासी गांव सुलगांव जिला खंडवा तहसील पुनासा मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मेरी शादी के 8 साल बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति ने मुझे गांव के आसपास के डॉक्टरों को दिखाया गया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हालत और ज्यादा खराब होती गई। फिर मुझे इंदौर मेडिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां पर मैं 15 रोज तक भर्ती रही। मेरी एक जांच मुंबई में हुई जिसमें 25,000 रुपए खर्च हुए जिसमें पता चला कि मेरी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है और आजीवन गोली खानी पड़ेगी। 6 साल तक मेरा इलाज डॉक्टर अंशद रियाज के पास चला लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इंदौर में IG चौराहा स्थित अनूप नगर में डॉक्टर नरेश पाहवा MD मेडिसन DM नेफ्रोलॉजी PGI चंडीगढ़ किडनी रोग एवं ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ से इलाज करवाया।
आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 297। मेरे इलाज पर 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे और दवाई का 15,000 रुपए प्रति महीना खर्चा आता था। उस समय मेरी उम्र मात्र 26 साल थी और संतान रूप में एक बेटा था, लेकिन एक साल तक इलाज करने के बाद डॉक्टर नरेश ने बोल दिया कि ये लड़की 10 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी। ये वचन मेरे परिवार पर वज्रपात से कम नहीं थे, क्योंकि जब अंतिम समय निर्धारित हो जाए तो जीवन का शेष समय मौत से भी कठिन हो जाता है। उस समय पूर्ण परमात्मा ने जोत से जोत जगाई। मेरी मौसी जी की बेटी रेखा को कैंसर की बीमारी थी। सन 2013 में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सतभक्ति करने से उनका कैंसर रोग ठीक हो गया था। उन्होंने ही मुझे नाम उपदेश लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने 22 अप्रैल 2018 को नाम उपदेश लिया। पूर्ण विश्वास से सतभक्ति करने से 15 दिन के अंदर ही मेरी गोली दवाई बंद हो गई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं पहले जैसे सारा काम कर लेती हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ। आज मैं खेतों में काम करती हूँ, जबकि बीमारी के समय मैं अपना खाना भी खुद से नहीं खा पाती थी। अगर आप मेरा अनुभव पढ़कर कुछ पूछना चाहे तो मेरे फोन नंबर 9977413652 पर आप फोन करके पूछ सकते हैं और मेरी सारी बीमारी की रिपोर्ट मैंने संभाल कर रखी है। प्रमाण के लिए दिखा व व्हाट्सएप भी कर सकती हूँ। अपने जगत के भाई बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाओ। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। भक्त मती जयश्री दासी, गांव सुलगाम, तहसील पुनासा, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9977413652। भटके हुए भक्त हनुमत दास को पुनः संभालना। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा। मुझ दास का नाम भक्त हनुमत दास, निवासी ग्राम हिनौद, तहसील जैसी नगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश है। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने जुलाई 2014 में नाम दीक्षा ली थी तथा बरवाला आश्रम में सतगुरु देव जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था, परंतु 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो जाने से भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाया और भक्ति छोड़कर आन उपासना करने लगा। उसके पश्चात जब सतगुरु देव जी के आदेशानुसार मेरे जिले में ही आश्रम खुल गया और कुछ समय के बाद दास को भी आश्रम की जानकारी मिली तो दास ने आश्रम जाकर पुनः भक्ति प्रारंभ कर दी। लेकिन नाम दीक्षा लेने से पहले जो नियम बताए जाते हैं, जैसे नशा नहीं करना, जुआ ताश नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, आन उपासना नहीं करना।